Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल जिस तरीके से फूका गया है, उसके बाद से लगातार अब बड़ी बड़ी रैलियां शुरू होने लगी है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, आप फिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती है, वो लगातार बड़ी बड़ी रैलियां करना शुरू कर दी है और सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें यानी अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी जमकर बीजेपी नेताओं को लताड़ते नजर आ रहे हैं, तो वो लगातार मीडिया को भी होश में आने की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर लगातार अखिलेश यादव की नजर है, उसको लेकर लगातार विकास, डेवलपमेंट, रोड, सड़क, अस्पताल, नौकरी और किसानों के हित में बात करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तादाद है, वो लगभग राम मंदिर की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, माफिया गुंडागर्दी की बात हो, तमाम तरीके की बात कह रहे हैं। और इस कड़ी में अमित शाह ने मुख्तार अंसारी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जी हाँ, बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी किए जाते हैं और तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यूपी से माफियाओं का जो दौर था वो खत्म हो गया है। जैसे अतीक अहमद की बात करें या फिर मुख्तार अंसारी की बात करें या फिर लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े इनकाउंटर्स हुए, उसको लेकर लगातार बीजेपी ढोल पीटती नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खेल खत्म कर दिया। लेकिन उन्हीं के पार्टी के समर्थक धनंजय सिंह जब खुलेआम क्रिकेट खेलता नजर आता है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें कहां होती है, ये किसी को नहीं पता है। और ऐसे कई सारे मामले हैं, जैसे विकास दुबे की बात कर ले या फिर जिस तरीके से बेटी को जला दिया गया था और उसको लेकर उनके परिवार पीड़ित लगातार आरोप लगाता रहा, उसको कर बात नहीं होती है। लेकिन इस कड़ी में जिस तरीके से अमित शाह ने निशाना साधा है, उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा हो रही है और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी फिर से आ गई है, आती है, तो माफिया भी लौट आएंगे। यानी कि उनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो जो भी माफिया है वो एक बार फिर से सक्रिय हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह ने कहा कि यहां के लोग माफियाओं से डरते थे, लेकिन आज यहां कोई माफिया पश्चिमी यूपी में नहीं दिखाई देता है। आजमगढ़ कहां है, अतीक अहमद कहां है और मुख्तार अंसारी के अलावा आजम खान कहां है? अगर आपने गलती कर दी और समाजवादी पार्टी को सरकार में ला दिए, तो ये सब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अमित शाह ने ये भी कहा कि पांच साल के अंदर भाजपा सरकार ने माफियाओं को चुन चुन कर सफाया करने का काम भी किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होती है, तो अमित शाह के लोगों पर लोगों को कितना विश्वास होता है और फिर जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.